नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अभी हाल ही में एक बार फिर से जो प्रीति जिंटा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही हैं और उनको एहसास हो चुका है कि केएल राहुल को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अभी हाल ही में जो प्रीति जिंटा ने एक बड़ा बयान दिया है उससे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्रीति जिंटा रो देंगे और उनको पता चल चुका है कि केएल राहुल को छोड़ना ही उनके लाइफ की, क्रिकेट की, आईपीएल इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रीति जिंटा ने क्या बयान दिया है केएल राहुल पर और कैसे उन्होंने माना है कि राहुल को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। जी हां, आपको बता दें, हर साल केएल राहुल की वजह से ही पंजाब किंग्स की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस करती थी और हमेशा पॉइंट टेबल में लगभग टॉप पर रहा करती थी। और इसके अलावा केएल राहुल ही एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस करते थे और इसी वजह से पंजाब किंग्स की डूबती नैया को सहारा मिलता था। लेकिन इस साल प्रीति जिंटा ने केएल राहुल को छोड़ने का फैसला लिया और उसका खामियाजा पूरी की पूरी पंजाब टीम को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल की जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिसके केएल राहुल नए कप्तान बने हैं, वो टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ केएल राहुल की जो टीम है वो पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि केएल राहुल की जो कमी है वो सीधे सीधे पंजाब किंग्स को खल रही है। पंजाब किंग्स को मयंक अग्रवाल के रूप में एक कप्तान जरूर मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि मयंक अग्रवाल जो है वो केएल राहुल के सामने अभी भी बच्चे समान है और अभी भी मयंक अग्रवाल को केएल राहुल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रीति जिंटा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि केएल राहुल के जाने की कमी खल रही है। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में एक और फिर से प्रीति जिंटा से मीडिया वालों ने बात की और पूछना चाहा कि आपकी टीम की इतनी बदतर हालत कैसे हो गई है और जो पंजाब किंग्स की टीम है वो लगातार पॉइंट टेबल में नीचे किस वजह से खिसक रही है। तो प्रीति जिंटा ने साफ कहा है कि पिछले साल की टीम में और इस साल की टीम में बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने माना है कि उनकी टीम अभी भी यहां से ऊपर उठ सकती है, लेकिन अब उनकी टीम के अगर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको सारे मुकाबले जीतने होंगे। प्रीति जिंटा ने कहा है कि हमारी टीम अभी इस टाइम पर पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है और इसके पीछे वजह ये रही है कि खिलाड़ियों की उतना उम्दा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर शिखर धवन को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि पंजाब किंग्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, जबकि पिछले साल केएल राहुल ठीक ऐसी ही जिम्मेदारी उठा रहे थे। जहां केएल राहुल लगातार रन मारते थे, पंजाब किंग्स का कोई भी बल्लेबाज केएल राहुल का साथ नहीं देता था और इस वजह से केएल राहुल की टीम लगातार मुकाबले हारती जाती थी और सारा आरोप प्रीति जिंटा केएल राहुल पर लगा देती थी। अब यहां पर दोस्तों प्रीति जिंटा को एहसास हो चुका है कि केएल राहुल का पंजाब किंग्स से निकल जाना कितना गलत था और इसके बाद किस तरह से पंजाब किंग्स की नैया डूबने लग गई है। पंजाब किंग्स की टीम जहां पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच चुकी है, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर बरकरार है। और अच्छी बात जो है वो ये है कि एक मुकाबला जीते ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पॉइंट टेबल में और भी ऊपर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ केएल राहुल की कमी झलक रही है और देखने को मिल रहा है कि केएल राहुल को छोड़कर प्रीति जिंटा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका उनको अफसोस भी है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।